मध्य प्रदेश के वीर की इस कड़ी में हम आपको गढ़ा साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती के बारे में बता रहे हैं। कालिंजर के चंदेल शासक कीरत सिंह के घर जन्मी इस बालिका का जीवन संघर्षपूर्ण रहा, किंतु इस महान आत्मा ने कभी हार नहीं मानी। दुर्गाष्टमी के दिन पैदा होने वाली इस कन्या का नाम दुर्गावती रखा गया। इनका विवाह गोंड शासक दलपत शाह से हुआ। 26 वर्ष की आयु में उनके पति का निधन हो गया, तब उन्होंने अपने अवयस्क पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन संभाला। वह मुगल बादशाह अकबर की आंख की किरकिरी बन गई थी। रानी दुर्गावती पर हमला करने की राय उनके गुरु महेश ठाकुर ने ही दी थी। अकबर ने सेनापति असफ खां को गोंडवाना पर हमला करने को भेजा। रानी दुर्गावती हमले के लिए तैयार तो नहीं थी, फिर भी वह रणभूमि में कूद पड़ी। युद्ध के पहले दिन उनकी सेना ने मुगल सेना के 500 सैनिक मार डाले। अगले दिन तोपखाने के आगे भी रानी दुर्गावती चट्टान की तरह डटी रहीं। उन्होंने साहस नहीं छोड़ा और दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। युद्ध के दौरान भारी वर्षा के कारण अचानक से नरई नाले में बाढ़ भी आ गई थी। आगे सैलाब और पीछे दुश्मन था। रानी दुर्गावती विकट स्थिति को भांप गई थी, परंतु वह शत्रु के हाथों पराजित नहीं होना चाहती थी। इस शूरवीर महारानी ने मातृभूमि के लिए अपनी ही कटार से अपने प्राणों की आहुति दे दी। रानी दुर्गावती आज भी अमर है। मध्य प्रदेश के महान शासकों से संबंधित रोचक जानकारी पाने हेतु आप हमसे जुड़े रहिए।